ऐसा क्यों? कुछ बादल काले और कुछ बादल सफेद। जब आप आसमान में देखते हैं तो सफेद बादलों से ढका एक विशाल नीला आसमान दिखाई देता है, पर आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इन बादलों का रंग सफेद या स्लेटी रंग का ही क्यों होता है? बादलों का सफेद या गहरे रंग का होना कोई प्राकृतिक सुंदरता का नमूना नहीं है, यह तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दरअसल होता यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसी रंग की दिखती हैं जिसे वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। जो वस्तु सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है उसका रंग सफ़ेद होता है। जो वस्तु सारे रंगों को अवशोषित दैट मीन्स ऑब्जर्व कर लेती है उसका रंग काला हो जाता है। शेष रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। बादल सभी रंगों को परावर्तित कर देता है इसलिए सफ़ेद दिखते हैं। बादल अत्यंत पतला होता है, इसमें बड़ी मात्रा में पानी भरा होता है। सूर्य की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पानी के बूंदों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणों की एक बड़ी मात्रा बादलों द्वारा सोख ली जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों द्वारा सोख ली जाती हैं तो किरणों का बिखराव ज़्यादा हो जाता है और हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगर बादलों से होकर बहुत ही कम मात्रा में सूर्य की किरणें गुजरेगी तो वे बादल गहरे रंग के और काले रंग के दिखाई देंगे। बादल का रंग उसमें से गुजरने वाले सूर्य की किरणों की मात्रा पर निर्भर करती है। कभी कभी यह बादलों का पतलेपन पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि बादल सफ़ेद रंग को सोख तो लेते हैं पर उनकी कम मात्रा के कारण वे गहरे रंग के ही दिखते हैं। तो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ बादल काले तो कुछ बादल सफेद क्यों। ऐसा क्यों? कुछ बादल काले और कुछ बादल सफेद। जब आप आसमान में देखते हैं तो सफेद बादलों से ढका एक विशाल नीला आसमान दिखाई देता है, पर आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इन बादलों का रंग सफेद या स्लेटी रंग का ही क्यों होता है? बादलों का सफेद या गहरे रंग का होना कोई प्राकृतिक सुंदरता का नमूना नहीं है, यह तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दरअसल होता यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसी रंग की दिखती हैं जिसे वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। जो वस्तु सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है उसका रंग सफ़ेद होता है। जो वस्तु सारे रंगों को अवशोषित दैट मीन्स ऑब्जर्व कर लेती है उसका रंग काला हो जाता है। शेष रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। बादल सभी रंगों को परावर्तित कर देता है इसलिए सफ़ेद दिखते हैं। बादल अत्यंत पतला होता है, इसमें बड़ी मात्रा में पानी भरा होता है। सूर्य की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पानी के बूंदों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणों की एक बड़ी मात्रा बादलों द्वारा सोख ली जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों द्वारा सोख ली जाती हैं तो किरणों का बिखराव ज़्यादा हो जाता है और हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगर बादलों से होकर बहुत ही कम मात्रा में सूर्य की किरणें गुजरेगी तो वे बादल गहरे रंग के और काले रंग के दिखाई देंगे। बादल का रंग उसमें से गुजरने वाले सूर्य की किरणों की मात्रा पर निर्भर करती है। कभी कभी यह बादलों का पतलेपन पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि बादल सफ़ेद रंग को सोख तो लेते हैं पर उनकी कम मात्रा के कारण वे गहरे रंग के ही दिखते हैं। तो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ बादल काले तो कुछ बादल सफ़ेद क्यों।